पीओके के ऊपर भारत में समय समय पर कई सारी डिबेट्स और डिस्कशंस होती रहती हैं। सरकार की तरफ से भी पीओके के ऊपर लगातार स्टेटमेंट आती हैं। क्या भारत को पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पीओके को वापस ले लेना चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना चाहिए और भारत को पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का वेट करना चाहिए? ये बेहद लंबी डिबेट का विषय है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वीटो पावर मिलने के बाद अगर हम पीओके को वापस लेने की ट्राई करें तो हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान होंगी, इंटरनेशनल प्रेशर को हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने फोर्स का इस्तेमाल करके पीओके वापस लेने की कोशिश की तो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देश भारत को खुलकर टारगेट करने वाले हैं, और चाइना ने क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट बना लिया है, वहाँ पर कई बिलियन डॉलर्स खर्च दिए हैं, इसलिए चाइना भी इस युद्ध में पाकिस्तान की सैन्य तौर पर मदद करने के लिए आएगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि साल 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था, उस समय हमारे पास पाकिस्तान आर्मी के 90,000 से ज्यादा सैनिक बंदी थे, हमें उनके बदले में पीओके की मांग कर लेनी चाहिए थी। इस समय हम देख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, तो रशिया को कितने सारे सैंक्शंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितना बैकलैश मिल रहा है। सेम हाल पीओके के केस में भारत के साथ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि पीओके को वापस लेने में रिस्क काफी ज्यादा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पीओके की तरह 5 अगस्त साल 2019 से पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आर्टिकल 370 और 35 ए को हटाना भी इसी तरह नामुमकिन लगता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने वो पॉलिटिकल विल दिखाई जो पिछले 70 सालों में किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिखाई थी। सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया। आर्टिकल 370 की तरह अब भारत के कई सारे लोग मोदी सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान से पीओके को भी वापस ले लेगी। ये टॉपिक आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब इंडियन आर्मी ने खुद ही सामने आकर बोला है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेशंस करके उसको वापस लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और सारे बैटल प्लान पूरी तरह से रेडी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के चीफ का कहना है कि इंडियन आर्मी किसी भी समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, उनको बस भारत सरकार के ऑर्डर्स का वेट है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिछले कल कहा है कि पाकिस्तान के साथ इस समय सीज फायर चल रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ा तो उनको इंडियन आर्मी की तरफ से तगड़ा जवाब मिलेगा। और जहां तक बात है पीओके की, इंडियन आर्मी भारत सरकार का हर एक ऑर्डर लेने के लिए पूरी तरह से रेडी है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको जो भी ऑर्डर देगी वो उसको पूरा करेंगे और उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी बस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का ही वेट कर रही है, जैसे ही सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो पीओके के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की स्टेटमेंट के बाद भारत में एक बार फिर से ये डिबेट शुरू हो गई है कि क्या यूक्रेन युद्ध के परिणाम देखते हुए हमें पीओके वापस लेने के प्लान को आगे के लिए पोस्टपोन कर लेना चाहिए या फिर पाकिस्तान जब कमजोर स्थिति में होगा, पाकिस्तान आर्मी इंटरनल पॉलिटिक्स में बिजी होगी, हमें मौका देखते पीओके को वापस ले लेना चाहिए। क्या इंडियन एयरफोर्स के पास इस समय वो एयर पावर और एयर डोमिनेंस है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ अगर इन केस चाइना भी आ जाए तो क्या टू फ्रंट के ऊपर इंडियन एयरफोर्स लड़ पाएगी या फिर नहीं, हमें ये सब चीजें भी कंसीडर करनी होंगी। खैर, वैसे अभी के लिए तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन अगर कल को भारत पीओके को वापस ले लेता है तो क्या पीओके में रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता देकर क्या उन्हें भारत में ले लेना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।